हरी है पुराने
अभी ईशा नागपाल बहन जी के माध्यम से बाबा का गुणगान हो रहा था और इतनी बड़ी संख्या में हमारे बाबा के दीवाने जो आज अपनी मन के भाव को यहाँ बाबा के चरणों में लगाने के लिए आए, मैं हृदय से आई हुई अपनी सभी बहनों का, अपनी माताओं का, अपने परिवार के सभी बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज गुरुपुर भी है, आज गुरु साहब अंगद देव जी का भी प्रकाश पर्व है और आज के दिन जो आप बाबा की महिमा में बहन ईशा जी इतना सुंदर गाती है, हमारे श्रीनिवासपुरी के तो हर बच्चा बच्चा इनका दीवाना है। इनके कंठ में मां सरस्वती का वास है। आज की ये महिमा में हमारे बीच में हम सब के प्रिय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिपाही श्री रामवीर सिंह भिदुड़ी जी के सपुत्र भाई सुरेंद्र जी भी अपनी आस्था और भाव को लेकर के बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। मैं इस मौके पर आपसे यही विनती करना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने 500 वर्ष के पश्चात भगवान राम को अपना वो भव्य महल दिया है, आज उसके सिपाही के दूत की आपने लाज बचानी है, क्योंकि ये हारे का सहारा है, ये सबकी लाज बचाता है। और अपनी माता और बहनों से मैं आज इसी बात की विनती कर रहा हूँ कि आज उस राम के रखवाले, उस श्याम के निराले नरेंद्र मोदी के सिपाही श्री रामवीर सिंह भिदुड़ी जी का आपको आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद उन्हें चाहिए। इस मौके पर हमारे ग्रोवर साहब, मेरी बहन ममता जी, हमारी भाभी ऋषि जी की धर्मपत्नी आगे बैठी है, मैं आपसे भी विनती कर रहा हूँ। मेरा क्लासमेट रहा है हमारे राहुल बलीचा जी, जो 4 तारीख को श्याम बाबा का बहुत बड़ा जागरण श्रीनिवासपुरी में करा रहे हैं, आपको भी मैं उसकी दावत देता हूँ, आपको भी इन्विटेशन देता हूँ। इस मौके पर राकेश जी हमारे जो मास्टर नेमचंद जी के पुत्र हैं, मेरे भतीजे हैं, जिस भाव के साथ ये यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, मैं हृदय से सबका अभिनंदन करता हूँ। भाई बलबीर जी यहाँ बैठकर सबको प्रभु का आशीर्वाद दे रहे थे, मैं पूरी टीम को, राज भाई को, हमारे श्रीनिवासपुरी पुरी में साई सत्संग मंडल के अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे बीच में है, हमारे भाजपा के भी हमारे पदाधिकारी बंधु भाई दुगल साहब, धवन जी, हमारे जो मीडिया सेल का काम देखते हैं प्रभु, वो भी हमारे बीच में है, सुदीप जी, और आज यहाँ पर मेरा सारा परिवार बैठा है। मैं ज्यादा आपके बीच में समय ना लेते हुए मैं भाई सुरेंद्र जी से भी आग्रह करूंगा कि दो शब्दों के माध्यम से आप भी मेरी माँ और बहनों का आशीर्वाद प्राप्त करें और आज के इस महामंडल में एक बार ईशा नागपाल को हृदय से आभार, आपका आपको बहुत बहुत बधाई। खाटू नरेश की मैं सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ और सभी माताओं से, बहनों से और मेरे जितने भी खाटू श्याम परिवार के जितने भी मेरे साथी हैं, मैं उन सभी से मैं आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ कि आदरणीय रामवीर सिंह भिदुड़ी जी को, वो आप लेते रहेंगे, मैं तो सारे मेरे लिए, जितने भाजपा परिवार आ गए सब आ गए, उसमें भाजपा परिवार सब लेके आ गए, मैं तो आप सभी से विनती करने आया हूँ कि आदरणीय रामवीर सिंह भिदुड़ी जी को आप अपना कीमती वोट जरूर दें। वो आदरणीय हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके प्रति
प्रत्याशी हैं और मैं इस बाबा के दरबार में आपसे एक बात कह सकता हूं कि बाबा का मंदिर तो खैर कोई नहीं बना सकता, मिलकर ही बना पाते हैं, पर आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने अपने विधानसभा के अंदर अपने ऑफिस के सामने 500 गज जमीन दी है कि जिसमें बाबा का बहुत सुंदर मंदिर बनाया जाए। और आपने जो बोला कि मंदिर के लिए जो भी आपको सहायता की जरूरत होगी हम आपके साथ हैं, और तो बनाने वाले तो बाबा हैं, हम कौन हैं, वो तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं किसी के हाथों से, तो शायद हमारे हाथों से ढूंढा होगा। और मैं तो कहना चाहता हूँ मोदी जी के एक हाथ में विकास और एक हाथ में विरासत है, जो हमारी विरासत को बचाएगा हम उनके साथ होंगे। अगर राम मंदिर किसी ने बनाया है तो आपको एकजुट होकर मोदी जी को
देखिए हमारी कोई औकात नहीं हम किसी को रोकें, और ये तो कृपा है मेरे बाबा की। यहाँ पर हाजिरी जिसकी थी शायद उन्होंने अभी लगाई या नहीं लगाई, लेकिन बाबा पर जिनकी कृपा थी उन्होंने हाजिरी लगाई है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हमें समय की मर्यादा भी देखनी है। जो कलाकार हमने बुलाए हैं वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ पहले बाबा के लिए। क्योंकि हर शाम सुहानी नहीं होती, हर चाहत के पीछे कोई कहानी नहीं होती, कुछ तो असर होगा। बांके बिहारी के प्यार में वरना गोरी राधा उस काले शाल की दीवानी ना होती। जोर जाता है भाई, खड़े हो जल्दी से, उधर बैठना है आपका, रास्ता बनाइए और चले आइए, दर्शन करें। हम सभी को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। भगवान कृष्ण भैया चढ़ा चाहिए आप बहुत चढ़ा चाहिए इधर आ जाए इधर आ जाए बाबा नागपुर में जो एक आज तो बड़ा मजा, ये दौड़ी बजा रही नहीं, दोनों हाथ पूरे उठा।
खाटू वाले शाम घड़ी मन चुपका एक दरियारी का। खाटू वाले
इकरार देखकर किस किस का दिल दीवाना हो जाता है। जिनका होता है वो मेरे साथ झूम कर बोलना, लेकिन हाथ उठा के स्वागत करें बाबा के चरणों में। अभी कोई बोलने नहीं देगा, पहले जब तक डांस चल रहा है तब तक डांसिंग
देते हैं। हाँ, हम फिर से आएंगे, तेरा दर्शन पाएंगे, हम फिर से आएंगे, तेरा दर्शन पाएंगे, वो इस बार भरोसा है, 400 पार कराएंगे, इस बार भरोसा है, 400 पार कराएंगे, हम तो फिर सावरिया, तेरे चरण दबाएंगे, हम तो so far tonight.
सुनिए, सहारे के सहारे की खरा गया तो भरोसा। ये मेरे बड़े भाई का पिता समान है, मैं इनका हमेशा मेरे साथ पापा की तरह आशीर्वाद मांगा, तो गालियां भी बहुत देते हैं।
Oh,
शक्तिमान हनुमान जय महाराज।